निशा डिजाइनर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बातें बताऊंगी जो हर किसी को प्रॉब्लम होती है मुड्डे में और तीरा में, कितने साइज में कितना मुड्डा लें और कितना तीरा लें। तो आप इस पे चार्ट पेपर पे ध्यान दीजिए जरा सा। ये चार्ट मैंने बनाया है, ये 28 छाती है, 29 छाती है, 30 छाती है, 31 है। तो इसके लिए मैंने मुड्डा रखा है 6.5। और इसका एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये मुड्डा छाती आपके पास नाप में है तो इसके जितना तीरा उतना मुड्डा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ज्यादा नॉर्मल 5.5 होता है तो 5.5 भी मुड्डा आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है 6.5, तो आप 6.5 ले लें इसको। इसमें 28 छाती, 29 छाती, 30, 31, इसमें मैंने 6.5 मुड्डा रखा है और मैं ड्राफ्ट करके भी दिखाऊंगी इसे। और यहाँ पे देखिए ये 32 छाती है, 33 छाती, 34 छाती, 35 छाती, तो यहाँ मैंने मुड्डा रखा है 7.5। 7.5 मैं इंची टेप में बता दूंगी आपको। ये 7 है, ये 3 पॉइंट आपको कम करना है, ये 1, 2, 3 7.5 इतना लेना है मुड्डा आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपने 32, 33, 34, 35 ये 7.5 है आपका। और यहाँ पे चले आइए फिर 36, 37, 38, 39, तो यहाँ पे मैंने मुड्डा लिया है 6.5। ये आपका इतने अगर इतना आप तीरा मुड्डा लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आती है फिटिंग, और कोई ना बड़ा होता है ना टाइट होता है। तो इसकी फिटिंग आप 6.5 में, आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ भी 6.5 लिया है, तो आप इसको तीरे के हिसाब से लीजिए। आप जितना तीरा ले रहे हैं, जैसे 5.5 है, बहुत पतला इंसान होता है तो वैसे भी तीरा उसका कम आता है, तो इसीलिए आप जितना तीरा ले रहे हैं 5.5 तो 5.5 मुड्डा रख सकते हैं, 6 ले रहे हैं तो 6 भी मुड्डा रख सकते हैं, जितना आप तीरा लेंगे उतना मुड्डा रख सकते हैं। और ये वाली है जो 32 छाती है, 33 छाती है, 34 छाती है, 35 छाती है, इसमें मैं 7.5 लेती हूँ। इसका मुड्डा एकदम परफेक्ट, फिटिंग बहुत प्यारी आती है इसकी, मुड्डे में कोई शिकायत नहीं आती। और यहाँ पे है ये 36, 37, 38, 39, यहाँ पे मैं 6.5 रखती हूँ। और तीरा बच्चा एक जितना भी हो, चौड़ा चाहे 7 हो, लेकिन मुड्डा मैं 6.5 रखती हूँ और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे आ जाइए फिर ये 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43, यहाँ पे मुड्डा 6 रखती हूँ, इसकी भी फिटिंग एकदम मेरे की बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये 40 छाती, 41, 42, 43, ये 6.5 लेती हूँ, इसकी भी फिटिंग मेरी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आप इसको ले सकते हैं, आप लेके देखिए, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे आ जाइए फिर से, ये 44, 45, 46, 47 छाती है, इसके लिए मुड्डा मैं 6.5 रखती हूँ, इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे है फिर 48, 49, 50, 51, ये 5.5 लेती हूँ, इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है हमारा मुड्डे का, तो इसलिए मैं 5.5 रखती हूँ। जितनी छाती मेरी बढ़ गई उतना यहाँ मुड्डा भी कम हो गया, तो इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद इसकी मैं ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ सबसे कम छाती वाले की। चलिए शुरू कर देते हैं। जैसे मैं मेरी छाती 28 वाले का मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे 28 छाती है, इसका मैं दिखाती हूँ। मैं तीरा यहाँ पे रखूंगी 6.5 और उतना ही मुड्डा रखूंगी जैसे मैं ब्लाउज में रखती हूँ। अब यहाँ इसकी छाती 28 है तो 7.5 आएगा, 7 आएगा यहाँ पे। और इसकी जो कंधे से कमर है उतना ही नॉर्मल, जो 14, 7, 7 का हिस्सा लगाते हैं हम, यहाँ पे 7 रखूंगी। और फिर इसके नीचे भी ले जाएंगे, 7 रखेंगे। इसका कमर 24 है तो 6 ले लेंगे यहाँ पे, 6 चौक 24। और यहाँ हिप भी 28 है तो 7 रख लेंगे, 7 चौक 28, 4 करना होता है हमें। और इसको मिला लेंगे, ये कमर हो गया हमारा। और इन दोनों लाइनों को हम मिलाएंगे ऐसे, फिर इसको भी मिला लेंगे ऐसे। अब यहां से इसकी फिटिंग थोड़ी सी यहाँ पे हमें अंदर लेना है, हम पहले जब बाहर जाते हैं अब इसको अंदर लेना है यहाँ पे, और इसकी गोलाई हमने अंदर से देनी है ऐसे, यहां से ऐसे आएंगे
और इसकी गोलाई ऐसे दे देनी है। फिर वही ढाई जो मार्जिन ऐसे ले लेंगे छाती पे, ऐसे कमर पे ढाई, यहाँ हम डेढ़ रखेंगे और इसके निशान लगा देंगे ऐसे। और इसको फिर यहीं से ऐसे मिलाते हुए पूरा ऐसे मिला देंगे और एक बाहर वाली आधे इंच की फिर इस लाइन में ऐसे टच करते हुए पूरा ले जाएंगे। ये हमारे को कम छाती की 28 छाती का ये नाप 28 छाती का हमारा 28 छाती है, तो इसका 4 किया हमने और यहाँ पर ढाई हमने मार्जिन वो रखा हुआ मार्जिन, और ये कमर हमारी 24 है तो इसका भी 4 किया हमने, और यहाँ हिप हमारी फिर से 28 है तो इसका भी हमने 4 किया है, और ये मुड्डा हमने 6.5 लिया है यहाँ से यहाँ तक, और इसका तीरा भी 6.5 लिया है हमने, ये चीज तीरा 6.5 लिया है और मुड्डा भी ये चीज भी 6.5 रखी है। तो ये चीज आप लेके देखिए एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी, और यहाँ से थोड़ा आधा इंच आप इसको डाउन कीजिए, यहाँ से पहले 2 रख के गले का ब्रॉड ये 2 इंची यहाँ से रख के ये चौड़ाई, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए ये आ जाएगा। अब चलिए हम इसके नॉर्मल स्टैंडर्ड नाप पे आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल कम साइज का था, इसका मुद्दा आपको बता दिया मैंने, और इसके बाद हम स्टैंडर्ड नाप पे आ जाते हैं। जिसका तीरा होगा ये वाला नाप जो इसके बीच में 32 और 28 के बीच में, तो ये 36 वाला नाप बता देती हूँ पहले मैं, 32 से 36 यहाँ पे जो नाप है हमारा 36 भी आ जाएगा। ये वाला नाप मैं बता देती हूँ, तीरा हमारा 6.5 और मुड्डा 7.25 के करीब में, ऐसे, और छाती हमारी 36 है तो 9 ले लेंगे। वही 7-7 का गैप रखेंगे, अगर हाइट कम है तो आप 6.5 का गैप रख सकते हैं, हम 7 का रखेंगे। कमर 28 है तो 7 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ हिप भी हमारी 36 है तो 9 रख लेंगे, और इन तीनों लाइनों को मिला देंगे। और इसको फिर हमने जैसे उसमें 28 छाती में हम अंदर आए थे, इसको हम बाहर जाएंगे यहाँ से गोलाई करने के लिए। यहाँ मार्जिन कम है कोई नहीं, हम इसको इतना 1.5 ही ले लेंगे, यहाँ पे भी ऐसे 1.5 ले लेते हैं मिलाने के लिए, इधर भी 1.5 ले लेते हैं, कपड़ा कम है इसलिए लिया है मैंने, वैसे 2.5 लेते हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे ये वाली लाइन से इसको यहाँ पे मिला देंगे, और इस वाली लाइन से अंदर ऐसे आते हुए इसकी गोलाई कर देंगे, और यहाँ से एक बाहर वाली भी गोलाई दे देंगे, दोनों दोनों गोलाई हो गई हमारी। ये हमारी 36 छाती का है, इसमें छाती हमारी 36 है, इसका 4 किया हमने, और यहाँ कमर हमारा कमर का 4 किया हमने, यहाँ भी 4 कर दिया इसका 36 का, और यहाँ हिप का 4 किया हमने, हिप का 4 कर दिया है, 4 किया, यहाँ ये मार्जिन है और ये मुद्दा है, और ये बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आती है हमारी। इसके बाद हमारी सबसे हैवी साइज ले लेते हैं हम, इसमें सबसे हैवी साइज का लगाऊंगी मैं, ड्राफ्ट करूंगी ये हमारा, इसका भी 6.5, मैं हमेशा तीरा एक जैसा ही रखती हूँ पर फिटिंग अच्छी आती है। इसमें 6.5 मैंने तीरा ले लिया है, अगर आपका ज्यादा वो ये तीरा ये ज्यादा नीचे गिरा हुआ है तो आप 7 रख सकते हैं, चलिए मैं 7 रख लेती हूँ उसको यहाँ पे। उसके बाद मैंने मुड्डा ये लिखवाया सबसे हैवी साइज में, यहाँ पे है 51 तक साइज है, मैंने 5.5 रखा है तो मैं 5.5 लूंगी इसका, ये 5.5 ले लिया। उसके बाद 51 है हमारे पास, तो अब हम स्टोर करेंगे 51 का, ऐसे यहाँ 51 पे आ जाते हैं, ये 51 है,
51 का ऐसे फोर कर लेते हैं, इंची टेप से बताती हूँ। बाहर वाला वन वाला हिस्सा बाहर रखिए ऐसे, और ऐसे फोर कर लीजिए, इसको पता चल जाएगा हमारा फोर कितना आएगा। ये देखिए फोर 12 और हाफ आ रहा है, उतना ही रख लेंगे ऐसे यहाँ पे। ये देखिए हमारा ये चीज, ये एरिया हमारा बहुत बड़ा आता है, इसीलिए हम मुड्डा कम रखेंगे। अगर हम मुड्डा नीचे लेके जाते हैं साथ पे, मुड्डा का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम मुड्डा कम लेंगे तो ये एरिया हमारा कम आएगा। हम यहाँ पे दूसरा कपड़ा रख के आपको ड्राफ्ट करके दिखा देंगे पूरा यहाँ पे। यहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान है, उसके बाद हमारा हिप 45 है, तो हम 45 पे जाएंगे। तो कमर 45 है, तो 45 का भी ऐसे करेंगे फोर। ये सबसे हैवी साइज है, ये देखिए जितना आता है उतना रखिए। और इसका जो बीच की दूरी है, ये कमर पहले बीच की दूरी ले लेते हैं हम यहाँ से, जो इसका ये वाला, ये अब हम 8 रखेंगे ये वाला हाइट। इससे थोड़ा अगर ज्यादा लेंथ लंबी है तो इसमें 8-8 की गैप रखेंगे, यहाँ भी 8 का गैप रखेंगे, पूरा आ रहा है हमारा। और अगर लंबी है तो, अगर हाइट कम है तो आप साथ ही रखिए, आपका ठीक आएगा। ये फिर से हम फोर कर दे रहे, 45 है, 45 ऐसे फोर कर देंगे बाहर का। ये रख लेंगे पूरा इंची टेप ऐसे, 11.5। उसके बाद इसका पूरा 12 ले लेंगे, पूरा आ रहा है हमारा 12.5, पूरा रख लीजिए इसको। ये हिप हो गया हमारा, इसको मिला देंगे हम। ये हैवी साइज है एकदम, बहुत हैवी। उसके बाद हम 2.5 मार्जिन लेंगे यहाँ पे, यहाँ 2.5 मार्जिन लेंगे, यहाँ 1.5 मार्जिन देंगे तुरपाई के लिए, और इसको इसमें मिला देंगे। मिला देंगे अब देखिए जो ये चीज है हमारा, यहाँ से फिर वही 1 इंची रख के और इसकी गोलाई देंगे ऐसे, थोड़ा सा नीचे लेते हुए हल्का सा ऐसे गोलाई करेंगे इसकी, और यहाँ से ये पूरी गोलाई आएगी हमारी। ये हमारी फिटिंग की गोलाई है, यहाँ से थोड़ी सी और हल्का सा, ये जो 1.5 है ये बाहर वाली है, और इसके अंदर जाते हुए यहाँ से ये अंदर वाली गोलाई हो जाएगी, और यहीं पे टच होगा ये, और इसकी यहाँ पे मिलाते हुए ये दोनों गोलाई आ जाएगी। तो इसका ये चीज एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मुड्डा हम कम रखेंगे। ये देखिए हैवी साइज का मुड्डा है, इसीलिए हमने ये मुड्डा कम रखा है, यहाँ से अटैच कर दिया है।